आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज प्रदेश के दौरे पर इंदौर आएंगे, निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री कमलनाथ मुंबई में उद्योगपतियों के साथ निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर कल छिंदवाड़ा और झाबुआ में होंगे राज्य स्तरीय आयोजन। मौसम विभाग ने जबलपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ सहित प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। और प्रादेशिक समाचार एकांश की मध्य प्रदेश के शहीदों पर विशेष श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज सुनिए तात्या टोपे की वीर गाथा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज प्रदेश के दौरे पर इंदौर आएंगे। इस दौरान वे एक निजी विश्वविद्यालय वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति 10:30 बजे विमान से इंदौर पहुंचेंगे और शाम 4 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ आज मुंबई में उद्योगपतियों से चर्चा कर उन्हें निवेश के लिए प्रदेश में आमंत्रित करेंगे। इस दौरान वे प्रदेश की नई निवेश नीति से भी उद्योगपतियों को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कल शाम प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में देश के हब के रूप में विकसित हो सकता है। इसके लिए ऊर्जा स्टोरेज, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण और डेटा प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में अपार संभावना है। इस अवसर पर मुकेश अंबानी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रिलायंस और मध्य प्रदेश सरकार की भागीदारी से विकास के नए रास्ते खुल सकते हैं। उन्होंने एनर्जी स्टोरेज में बैटरी निर्माण संबंधी निवेश के लिए सहमति जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शीर्ष प्राथमिकता वाला राज्य है। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दरों में 35 आधार अंकों की कमी करने के कुछ घंटों बाद ही भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी उधारी दर में 15 आधार अंकों की कटौती करने की घोषणा की है। स्टेट बैंक ने एक बयान में कहा है कि 8.25% की नई दर 10 अगस्त से लागू होगी। इस कटौती के बाद स्टेट बैंक के आवास ऋण अप्रैल के बाद से 35 आधार अंक सस्ते हो गए हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर कल छिंदवाड़ा और झाबुआ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों ही कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस मौके पर आदिवासी कल्याण के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी और सामूहिक भोज का आयोजन होगा। सभी जिला मुख्यालयों और नवासी विकासखंड मुख्यालयों में विकास कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले आदिवासी छात्र छात्राओं को रानी दुर्गावती और शंकर शाह पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in देख सकते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। अब आप प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप newsonair पर भी समाचार लाइव सुन सकते हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए 1,461 महिला स्व सहायता समूहों को राशन दुकानें आवंटित की गई हैं। श्री तोमर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के 5,46,00,000 हितग्राहियों को 24,713 दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 महीनों में 2,499 ग्राम पंचायतों में नई दुकानें खोली गई हैं। इनमें से 1,461 दुकानों के संचालन का दायित्व महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आज प्रदेश में 1 से 19 वर्ष आयु तक के लगभग 2,84,00,000 बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उप संचालक डॉ. प्रज्ञा तिवारी ने बताया कि 1 से 2 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एल्बेंडाजोल की 200 ग्राम की आधी गोली और 2 से 19 वर्ष आयु तक के बच्चों को 400 ग्राम की एक गोली स्कूल में शिक्षक और आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता की उपस्थिति में खिलाई जाएगी। इसके लिए करीब 1,53,000 स्कूलों और 96,828 आंगनवाड़ी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। आज के दिन शेष रहे बच्चों को 13 अगस्त को ये गोली खिलाई जाएगी। बात मौसम की।
राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज और कहीं कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज जबलपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सीहोर, बैतूल, अनूपपुर, श्योपुर, झाबुआ, बड़वानी, मंडला, विदिशा सहित प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अविस्मरणीय वीर गाथाओं पर आधारित खास श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी में आज सुनिए तात्या टोपे की शौर्य गाथा। सत्तावन की क्रांति में अविस्मरणीय योगदान देने वाले महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी तात्या टोपे, जिनका नाम सुनते ही अंग्रेज कांप उठते थे। उत्तर में चंबल से लेकर दक्षिण में ताप्ती तक संपूर्ण बुंदेलखंड, महाराष्ट्र और राजस्थान में तात्या टोपे के छापामार गुरिल्ला युद्ध ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। तात्या टोपे का जन्म 1814 में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, हालांकि लोग उन्हें तात्या टोपे के नाम से बुलाते थे। अंग्रेजों के खिलाफ हुई 1857 की क्रांति में तात्या टोपे के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कानपुर में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद तात्या ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर मध्य भारत का मोर्चा संभाला था। क्रांति के दिनों में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब का भरपूर साथ दिया। वे अपने गुरिल्ला तरीके से आक्रमण करने के लिए जाने जाते थे। अंग्रेज भी उनकी इस युद्ध प्रणाली से भयभीत रहते थे। भारत के कई हिस्सों में उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया और खास बात ये थी कि अंग्रेजी सेना उन्हें पकड़ने में नाकाम रही थी। तात्या ने तकरीबन एक साल तक अंग्रेजों के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि 8 अप्रैल 1859 को वो अंग्रेजों की पकड़ में आ गए और 15 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में तात्या का कोर्ट मार्शल किया गया। उसके बाद 18 अप्रैल को शाम 5 बजे हजारों लोगों की उपस्थिति में खुले मैदान में फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं तात्या ने फांसी का फंदा स्वयं गले में डाला और सेना के चले जाने पर जनता ने तात्या के पैर छुए और उस अमर बलिदानी को नमन किया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कल नरसिंहपुर जनपद के 3 स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें वितरित की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस साल प्रदेश के 2500 गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का काम किया जाएगा। इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्वालियर में दूध में मिलावट की शिकायतों को देखते हुए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए आज दुग्ध परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। नीमच स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयकर विभाग द्वारा आज से 2 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आयकर भरने योग्य कर्मचारियों को विभाग द्वारा फॉर्म 1 भरने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। खंडवा कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी विकास खंडों में लक्ष्य के अनुसार पौधरोपण किया जाए। और सागर के संभागायुक्त आनंद शर्मा ने श्रमिकों के सत्यापन कार्य में लापरवाही पर खुरई और रैली के सीएमओ की 2 वेतन वृद्धियां रोकने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज प्रदेश के दौरे पर इंदौर आएंगे। निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री कमलनाथ मुंबई में उद्योगपतियों के साथ आज निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर कल छिंदवाड़ा और झाबुआ में आयोजित होंगे राज्य स्तरीय सम्मेलन। मौसम विभाग ने जबलपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और झाबुआ सहित प्रदेश के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। और प्रादेशिक समाचार एकांश की मध्य प्रदेश के शहीदों पर विशेष श्रृंखला
जरा याद करो कुर्बानी में आज आपने सुनी तात्या टोपे की वीरगाथा। इस बुलेटिन में इतना ही। आकाशवाणी भोपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए 2:30 पर। नमस्कार।